हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और आप सभी का मेरे टेक्निकल के चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी सीखेंगे फ्रेंड्स, अगर आप अपने पेटीएम का यूपीआई पिन भूल गए हैं तो आप कैसे अपने यूपीआई पिन को वापस ला सकते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स, अगर आप अपने पेटीएम का यूपीआई पिन भूल गए हैं तो आप अपने यूपीआई पिन को कैसे रीसेट कर सकते हैं, कैसे नया बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपना पेटीएम को ओपन कर लेना है। पेटीएम को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको लेफ्ट साइड में ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी मोबाइल पे आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ दूसरा ऑप्शन दिख रहा है पेमेंट सेटिंग का, आप पेमेंट सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। पेमेंट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, थोड़ी प्रोसेसिंग चल रही है। फ्रेंड्स, आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है यूपीआई एंड लिंक्ड बैंक अकाउंट्स, आप इस पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपके पेटीएम में जितने भी बैंक अकाउंट लिंक होंगे वो यहाँ पे शो कर जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे पेटीएम में दो बैंक अकाउंट लिंक हैं, इसलिए दो बैंक अकाउंट यहाँ पे शो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन तीन ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव अकाउंट का, दूसरा आ रहा है चेंज पिन का और तीसरा आ रहा है चेक बैलेंस का। फ्रेंड्स, आप अपना यूपीआई पिन भूल गए हैं तो आपको चेंज पिन पर क्लिक कर देना है। चेंज पिन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है पंजाब नेशनल बैंक डेबिट कार्ड। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 6 डिजिट का अपना आपके एटीएम कार्ड के पीछे जो भी एटीएम कार्ड का जो भी नंबर होता है आपको उसके 6 अंक यहाँ पर डालने हैं और अपनी एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ पर डाल देनी है और फ्रेंड्स आपको प्रोसीड पर क्लिक कर। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ अपना एटीएम कार्ड की जो 6 डिजिट हैं आपको यहाँ पे फिल कर देना। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद फ्रेंड्स, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाए और वो मोबाइल नंबर आपके पेटीएम कार्ड से लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, OTP अपने आप फिल हो गया है। फिल होने के बाद आपको यहाँ एक चेक मार्क टिक दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आपको अपने यहाँ लिखा है ऊपर सेट 6 डिजिट UPI पिन। अब फ्रेंड्स, आपको अपना UPI पिन बनाना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना UPI पिन बना देता हूँ। UPI पिन डाल देने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ चेक मार्क आइकन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, लिख के आ गया कंफर्म 6 डिजिट UPI पिन। फ्रेंड्स, आपको दोबारा वही पिन डाल देना है। फ्रेंड्स, मैं डाल देता हूँ। पिन डाल देने के बाद फ्रेंड्स, आपको चेक मार्क आइकन में दोबारा क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं आपका UPI पिन चेंज हो गया है। फ्रेंड्स, आप ऐसे ही अपने मोबाइल फ़ोन से अगर आप अपना पेटीएम का UPI पिन भूल गए हैं तो आप उस अपने UPI पिन को दोबारा रीसेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स,